नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। जैसा कि आपको याद है कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसका पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। उस वीडियो पर हमने इस 20 लाख करोड़ की घोषणा पर बात की थी। हमने ये बात की थी एक आर्टिकल की सहायता से कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज किस लिए लाया गया है, किन क्षेत्रों पर वो 20 लाख करोड़ रुपए का प्रवाह बनाया जाएगा, और साथ ही साथ हमने आत्मनिर्भर भारत क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की है लास्ट वीडियो पर। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब जाकर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दूसरा पार्ट है उस सीरीज़ का, और इस भाग पर हम सबसे पहले भाग पर बात करेंगे, सबसे पहले स्टिमुलस जो यहाँ पर प्रावधान लाए गए उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले इस पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ रुपए का बाइफर्केशन हम समझ लेते हैं। तो आपको बोर्ड पर ये दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लाया गया उसे क्या नाम दिया गया, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान भी कह सकते हैं आप, आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी कह सकते हैं। आत्मनिर्भर क्यों? क्योंकि ये सारे जो यहाँ पर प्रावधान बनाए गए, ये जितने आप यहाँ पर मनी की वैल्यूएशन देख रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूएशन किस लिए इस्तेमाल की जाएगी? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अर्थात घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू उत्पादकों को सहायता देने के लिए, अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, जनसंख्या को लाभ पहुँचाने के लिए। मतलब पूरा का पूरा जो सेंटर पॉइंट होगा इस 20 लाख करोड़ का, वो अपने आप को, अपने देश को, अपने देश के लोगों को सक्षम बनाने का होगा। इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान भी कहा जाता है। सबसे पहला पार्ट जब यहां पर आया, देखिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी और उसके बाद वित्त मंत्री ने बारी बारी सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे 20 लाख करोड़ का ब्यौरा दिया एक एक दिन के अंतराल पर। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसे हम फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं, उसकी अगर आप राशि देखें तो 5.94 लाख करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगी। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि 6 लाख करोड़ के आसपास का मामला है। तो जब सबसे पहला पार्ट यहां पर जारी किया गया तो उसमें 6 लाख करोड़ रुपए के बारे में ब्यौरा दिया गया, बताया गया कि वो 6 लाख करोड़ किस तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 6 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो पर बता दिया है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंधन करना ही आर्थिक पैकेज कहलाया जा रहा है। पार्ट टू पर जब हम आते हैं तो उसके अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि 3 लाख करोड़ रुपए का लगभग यहाँ पर ब्यौरा दिया गया, और जब पार्ट तीन उसके अगले दिन पर ये आपको 1.5 लाख करोड़ और उसके बाद 48,000 करोड़ के आसपास का मामला दिखा पार्ट 4 और 5 पर। तो मुख्य रूप से आप समझ रहे होंगे कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है उसकी राशि काफ़ी ज़्यादा है, एक 6 लाख करोड़ के आसपास है, एक 3 लाख करोड़ के आसपास है। अर्थात इन दो पार्ट पर ही जो प्रबंधन किया गया है, जो नियम लाए गए हैं, जो प्रावधान लाए गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद राशियों की मात्रा आप कम देख रहे होंगे, तो फिर भी अगर आप इन सारे चीज़ों को देखें तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ये कहाँ जाएंगी राशि, तो ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए व्यवस्था की जाएगी, किसानों के लिए किया जाएगा, मजदूरों के लिए किया जाएगा, रियल इस्टेट के लिए किया जाएगा। और इन सारे चीज़ों को अगर इन पांचों भागों को अगर जोड़ दिया जाए तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर 11 लाख करोड़ के आसपास का मामला दिख रहा होगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस पांच भाग पर जब बात की गई तो पांच भाग पर 11 लाख करोड़ का ब्यौरा दिया गया। अब आप ये कहेंगे कि 20 लाख करोड़ की तो घोषणा की गई थी। नहीं, ध्यान दीजिएगा कि घोषणा के बाद में 11 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया गया। शेष राशि वो राशि है जो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वित्त मंत्रालय ने और आरबीआई ने पहले ही जारी कर दिए हैं, इनके बारे में पहले ही ब्यौरा दे दिया गया है। तो उन प्रावधानों को जोड़ने के बाद और उसके बाद ये आत्मनिर्भर पैकेज को जोड़ने के बाद जो टोटल अमाउंट बनता है वो बनता है 20 लाख करोड़ का। तो ये जो बाकी की राशियां हैं 9 लाख करोड़ के आसपास का मामला जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अर्लियर मेजर्स इंक्लूडिंग PMGKP अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या योजना, तो ये पहले ही आ चुका है। इसमें आप देख रहे होंगे 1,92,000 रुपये का मामला आपको दिख रहा होगा,
जिसमें से मुख्य रूप से इस PMGKP का 1.70 लाख करोड़ इंक्लूडेड है। और वहीं RBI के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी अगर आप राशि की मात्रा देखेंगे तो वो आपको 8 लाख करोड़ के आसपास दिखेगा। तो इस प्रकार से ये पूरे 20 लाख करोड़ रुपए अलग अलग यहाँ पर विभाजित हुए हैं। तो इस वीडियो पर मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं इस पार्ट वन का, और पार्ट वन पर हम देखेंगे कि ये 6 लाख करोड़ रुपए किस तरीके से कहां से व्यवस्थित किए जा रहे हैं, प्रबंधित किए जा रहे हैं, और उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा विभिन्न क्षेत्रों पर। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुंचने से पहले कि 6 लाख करोड़ रुपए कहां कहां पर कैसे कैसे पहुँचाए जाएंगे या कैसे कैसे व्यवस्थित की जाएगी, थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं कि ये इकोनॉमिक पैकेज किस बेस पर या किस ज़रूरत के लिए लाया जा रहा है। देखिए, अगर आप इस पूरी कहानी का बेस समझें तो पूरा बेस क्या है, वो है कोविड। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था संकट में है, ऐसा कई बार आपने सुना होगा। अब वैसे तो आप लोगों को जानकारी में होगा ही, लेकिन समझने के लिए हम ले आते हैं कि जब ये संकट शब्द सुनते हैं हम, अर्थव्यवस्था पर संकट है, तो किस प्रकार की संकट की बात हो रही है। देखिए, कोरोना के कारण हमारे देश में क्या क्या समस्या आ गई, तो सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन क्या हो चुका, गिर गया। देखिए, कंपनियां रुक गई, फैक्ट्रियां रुक गई, परिवहन रुक गए, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन गिर गया। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों के पास आय नहीं हो रही है, उनके रोज़गार में समस्या आ रही है, अर्थात उनकी आय में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। अब ये दो मुख्य रूप से आप समस्या देख रहे होंगे, अर्थात जब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है इसका मतलब ये है कि बाज़ार में वस्तु पहुंच नहीं रहे हैं, उत्पाद पहुंच नहीं रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हमारा सप्लाई चेन क्या हो चुका है, फिर ब्लॉक हो चुका है। सप्लाई चेन अर्थात वस्तुओं का उत्पादन होने के बाद बाजार तक पहुंचना, ये पूरी की पूरी कहानी सप्लाई से जुड़ती है। जब वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगी। अब चूंकि आय कम हो गई है तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारा डिमांड या फिर मांग वाला जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर नकारात्मक हो गया है, क्योंकि अगर लोगों के पास आय नहीं होगी तो बाजार में वो डिमांड क्रिएट करेंगे नहीं। तो इन दोनों ही चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि फिर ये क्या हो चुके, एक दूसरे को ये सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट किस प्रकार से कि जब बाज़ार में डिमांड होगा नहीं तो सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगा तो फिर उसके बाद तो फिर अर्थव्यवस्था पे कुछ उत्पादन नहीं होगा, लोगों की आय नहीं होगी और पुनः डिमांड नहीं होगा मार्केट में। तो ये पूरी की पूरी एक ब्रॉड वे में आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण ये हुआ कि सप्लाई और डिमांड हमारा दोनों ही क्या हो चुका, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने इकोनॉमिक पैकेज जब लाया हमने तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये होनी चाहिए कि इस डिमांड और सप्लाई में जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खोला जाए, अर्थात इसे शुरू किया जाए। एक बार अगर डिमांड और सप्लाई का चेन अगर शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये काम करने लगता है, क्योंकि जब आप सप्लाई अर्थात उत्पादन करेंगे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जब होगा अर्थात लोगों की रोज़गार होगी, और लोगों की रोज़गार अगर होगी, उनकी आय होगी, तो ऑटोमेटिकली बाज़ार में डिमांड क्रिएट होगा और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पुनः प्रोडक्शन होगा और पुनः वहाँ पर सप्लाई हो जाएगा। लेकिन इन सारे चीज़ को शुरू करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और उसी एक्सटर्नल फोर्स को हम इकोनॉमिक स्टिमुलस कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया। तो हमें करना क्या होगा, तो हम करेंगे इस डिमांड एंड सप्लाई को फिर से हेल्दी कर देंगे। तो कैसे हेल्दी करेंगे, तो देखिए हम ऐसा करेंगे कि हम प्रोडक्ट लेकर आएंगे मार्केट में, उत्पाद लाएंगे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, सप्लाई कराएंगे, कहाँ पर, मार्केट में, ये आप समझ लीजिए बाज़ार में। और फिर उसके बाद जब बाज़ार में ये सप्लाई करवाएंगे तो ये सप्लाई कैसे होगा, जब हम डिमांड भी क्रिएट कर देंगे। तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है, इस 20 लाख करोड़ के माध्यम से बाज़ार में सप्लाई और बाज़ार में डिमांड ये दोनों ही क्रिएट करना है। अब ये कब क्रिएट हम कर पाएंगे, तो प्रोडक्ट कब आएगा, जब अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। और ये डिमांड कब आप क्रिएट कर पाएंगे, जब लोगों की आय होगी।
तो कुल मिलाकर आपको अब क्या करना है कि कुछ इकोनॉमिक स्टिमुलस डालकर इन चीज़ों को शुरू करना है और जिसकी सहायता से ये बड़ा वाला साइकिल फिर काम करने लगे। अर्थात आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे उद्योग क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र उत्पादन प्रारंभ करें, और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे लोगों की आय बनी और ये क्या करें, मार्केट में डिमांड क्रिएट करें। तो अब जितना भी आप यहाँ पर इकोनॉमिक स्टिमुलस या आर्थिक पैकेज में कहानी देखेंगे वो कुछ इसी प्रकार से दिखेगा कि या तो प्रावधान कुछ होंगे जो उत्पादन करता है या जो उद्योग क्षेत्र हैं उन्हें सहायता दी जाएगी जिससे वो उत्पादन को शुरू कर सके, या तो कुछ ऐसा प्रावधान होगा जहां पर लोगों की आय बढ़ सके जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। तो पूरी की पूरी कहानी या पूरा का पूरा 20 लाख करोड़ इसी दो पिलर पर केंद्रित होने वाला है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सप्लाई बने और कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे डिमांड क्रिएट हो। सप्लाई कब होगी? जब कंपनियां उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे तो उनको उत्पादन करने के लिए कुछ सहायता दी जाएगी, और डिमांड कब क्रिएट होगा? जब लोगों के पास आय होगी तो उनकी आय बढ़ाने की कुछ यहां पर व्यवस्था की जाएगी। तो इन्हीं दो आधारों पर, इन्हीं दो पिलरों पर ये 20 लाख करोड़ के बाइफर्केशन को हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाले भाग पर, अर्थात सबसे पहले दिन जो 6 लाख करोड़ का ब्यौरा दिया गया वो किस प्रकार से इस सप्लाई और डिमांड को कनेक्ट करते हुए दिखेगा, उस पर हम एक विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाले भाग पर अगर हम चलें तो ये आप देख रहे होंगे बोर्ड में, स्क्रीन में, कि 6 लाख करोड़ का मामला यहां पर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले वाले भाग पर चलते हैं। देखिए इसे अभी ऐसे ही समझते हैं, ये इनका जो क्लासिफिकेशन है या इनका अर्थ क्या है वो धीरे धीरे एक आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इकोनॉमी का हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे इस सीरीज़ पर, क्योंकि आपके समझ को विकसित करना है इस सब्जेक्ट पर। तो चलिए सबसे पहले भाग पर आप चलें तो यहाँ पर देख रहे होंगे एमरजेंसी WC अर्थात वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी फॉर बिजनेसेस इंक्लूडिंग MSMEs, और ये कितना है, 3 लाख करोड़। तो वर्किंग कैपिटल कैपेसिटी, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे MSME, और ये 3 लाख करोड़ आप देख रहे होंगे वर्किंग कैपिटल कैपेसिटी, अर्थात आप इसे कार्यशील पूंजी भी कह सकते हैं। देखिए किसी भी कंपनी को, फैक्ट्री को शुरू चालू रखने के लिए या काम करवाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है जिससे वो कंपनी क्या करे, कार्य शुरू कर सके। अभी तक हमने ये समझा कि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो जो उद्योग क्षेत्र होगा उनको कुछ इस प्रकार से सहायता दी जाए जिससे वो उत्पादन को बढ़ा सके। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर देने की बात या फिर उनके लिए व्यवस्था की जा रही है जिससे वो अपना उत्पादन शुरू कर सके, अपने कंपनी पर काम शुरू कर सके, उत्पादन हो, लोग यहाँ पर काम करने आ जाए, और ये राशि इस्तेमाल होगी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए, इसलिए ये सारी राशि काम में आएगी, और इन्हीं राशियों को यहाँ पर वर्किंग कैपिटल या फिर कार्यशील पूंजी भी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पर देखते होंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि MSMEs को सबऑर्डिनेट डेट, डेट अर्थात उधार की बात हो रही है, और यहां पर लिखा हुआ स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अर्थात कि ऐसे MSMEs जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान में है, ऐसे उद्योग जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधार लेकर रखे हैं और बैंकों को कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो उन्हें आप स्ट्रेस्ड MSMEs कहेंगे। तो उनको क्या छोड़ देना है? तो नहीं, उनको भी कुछ उधार देना है, और वो कितना देना है, तो वो 20,000 करोड़ की बात की जा रही है, और वो कौन देगा, कैसे देगा, डिटेल में हम समझेंगे। फिर उसके बाद MSME को यहाँ पर फंड ऑफ फंड के माध्यम से फिर से 50,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी इनके लिए। अब आप यहाँ तक चीज़ों को अगर देख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आकर रुक रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आकर रुक रही हैं जिसकी वजह से MSME क्या करेंगे, इतने सक्षम हो पाएंगे जो अपने उद्योग पर उत्पादन को क्या कर सके, प्रारंभ कर सके। अर्थात ये कहानी कहाँ जा रही है, ये कहानी जा रही है सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए, वस्तुओं के उत्पादन करवा के। तो यहां तक की कहानी आप जब तक आप MSMEs देख रहे होंगे, देखिए वर्किंग कैपिटल मिल रहा है तो क्या करेंगे, काम शुरू करेंगे। ऐसे उद्योग जो स्ट्रेस्ड हैं उनको भी राशि मिलेगी तो वो भी क्या करेंगे, काम शुरू करेंगे। फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ उनको मिल जाएगा तो भी वो क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये सारी चीज सप्लाई चेन से आकर जुड़ रही है। अब उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहां पर आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप पा रहे होंगे कि रिडक्शन इन EPF रेट्स और स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs। तो रिडक्शन इन EPF रेट्स,
इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अर्थात भविष्य निधि की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर कुछ रिडक्शन करने की बात हो रही है और उससे 6,750 करोड़ रुपए की यहाँ पर सहायता पहुँचेगी लोगों तक। तो इसका क्या अर्थ है कि देखिए डिटेल में समझेंगे आगे भी। ईपीएफ रेट्स अगर कम कर दिए जाएंगे प्रोविडेंट फंड पर, जो कर्मचारी होते हैं कुछ राशि भविष्य निधि के लिए क्या करते हैं जमा करते हैं या फिर उनकी आय से कुछ राशि कट जाती है, अगर वहाँ पर छूट दे दी जाए, अगर वो रेट्स कम कर दिए जाएँ, तो जो पैसे वो जमा करते हैं अपने भविष्य के लिए वो उनको अभी करना नहीं पड़ेगा। और अगर अभी करना नहीं पड़ा अर्थात उनकी आय पर कुछ बचत हो जाएगी, अर्थात जो पैसे पीएफ के लिए जाते थे वो उनके पास ही रह जाएंगे, अर्थात उनकी आय, उनके जेब में पैसे, उनके हाथ में पैसे बढ़ेंगे। तो अगर उनकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा, बाजार में डिमांड क्रिएट होगा, मांग क्रिएट होगा। ये दूसरे पिलर पर हम चले गए जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए कि या तो सप्लाई को मजबूत करना है या तो क्या करना है, डिमांड को मजबूत करना है। तो अगर पीएफ रेट्स अगर कम हो जाते हैं, लोगों के पास में आय यहाँ पर बढ़ जाती है और बाजार में वो डिमांड क्रिएट करने लगेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो मामला है पीएफ रेट वाला, वो डिमांड इंक्रीज करने वाली कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज HFC अर्थात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, MFIs अर्थात माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो ये कैसे, ये भी कारोबार है। देखिए ये सारे जो क्षेत्र हैं NBFCs, आप HFC देख लें, तो ये क्या करते हैं, ये उधार में पैसे आगे बढ़ाते हैं। तो अब यही दिक्कत में है क्योंकि बहुत सारे बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से इन्होंने खुद उधार लिया हुआ है और खुद अपने उधार ये नहीं चुका पा रहे हैं, और जब अपने उधार नहीं चुका पा रहे हैं तो जहाँ पर ये उधार देते, जहाँ पर ये उत्पादन के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाते, वो भागीदारी ये नहीं दे पा रहे, तो इन्हें भी कुछ सहायता देनी चाहिए ताकि ये दूसरों को सहायता दे पाए। तो अगर HFC या फिर हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी को अगर आप सहायता देंगे तो फिर उसके बाद रियल एस्टेट और जो यहां पर हाउसिंग प्लान्स होते हैं उसमें भी आप लाभ देख सकते हैं। तो इसलिए यह भी आप समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन को मजबूत करने की कहानी आप देख रहे होंगे। पार्शियल क्रेडिट गारंटी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी 2.0 फॉर लाइबिलिटीज ऑफ NBFCs एंड MFIs। देखिए पार्शियल गारंटी को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा क्रेडिट गारंटी, देखिए पार्शियल देखा लेकिन पहले क्रेडिट गारंटी की बात कर लेते हैं। क्रेडिट अर्थात उधार और गारंटी तो आप समझ ही रहे होंगे कि मान लीजिए कि मैं उधार लेने गया बैंक में या फिर किसी के पास, तो मुझे उधार देने के एवज पर कुछ गारंटी की अपेक्षा सामने वाला करेगा, या तो मेरे ज़मीन के या घर के कागज़, वो रजिस्ट्री कागज अपने पास रख लेगा या फिर कुछ और भी माध्यम हो सकते हैं। इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये मैं एक व्यक्ति हूँ और उसके बाद मैं बैंक के पास पहुँचा और मुझे चाहिए कुछ राशि, मुझे कुछ राशि चाहिए, लेकिन मेरे पास गारंटी पर रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं कोई भी चीज़ गारंटी पर नहीं रख सकता, तो मुझे ये राशि नहीं मिलेगी और उसके बाद मेरे पास जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस समय क्या चाहिए कि अगर कोई मेरी क्रेडिट की गारंटी ले ले तो फिर उसके बाद मुझे ये राशि मिल सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक और व्यक्ति आ जाए और वो इस बैंक को क्या कहे कि आप इसे उधार पर राशि दे दो और ये आपका उधार दे देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अर्थात आप इसको उधार में पैसे दे दो, ये आपका उधार चुका देगा, और अगर आपके उधार पर राशि नहीं मिल पाई तो उसके बाद आप मुझसे वसूल लेना, अर्थात ये हो गया इसका क्रेडिट देने वाला व्यक्ति। तो इसी प्रकार से अगर पूरी की पूरी राशि का, अर्थात समझ लीजिए कि मुझे 100 रुपये चाहिए और ये व्यक्ति पूरे के पूरे इस 100 रुपये की अगर गारंटी ले रहा है, तो जब मैं डिफ़ॉल्ट करूंगा तो बैंक इस पूरे 100 रुपये की वसूली इस व्यक्ति से करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, मात्र 20% का मैं गारंटी लेता हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने डिफ़ॉल्ट किया तो मात्र 20 रुपये का क्या होगा, वसूली इस व्यक्ति से किया जाएगा। तो इस स्कीम को फिर आप क्या कह देंगे, पार्शियल क्रेडिट गारंटी, या फिर ये पार्शियल का अर्थ क्या हो जाएगा, आंशिक, अर्थात कुछ अंश के उधार का ही गारंटी लिया जा रहा है। तो चलिए वापस से उस इमेज पर आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस NBFC और MFIs के लिए पार्शियल गारंटी
स्कीम के तहत 45,000 करोड़ की व्यवस्था किए जाने की बात हो रही है, अर्थात बैंकों को या फिर अन्य उधार जो देते हैं, अन्य जो संस्थाएं जो उधार देती हैं उनको सरकार देगी गारंटी, अर्थात इनके तरफ से सरकार खड़ी होगी कि भाई आप इनको उधार में पैसे दे दो, अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि फिर उसके बाद मुझसे आप वसूल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स, और फिर उसके बाद रिडक्शन इन TDS इन TCS रेट्स। तो डिस्कॉम्स अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, देखिए जब भी बिजली आपके घर तक पहुंचती है तो कई सारी कंपनियां काम कर रही होती हैं। ये जो अंतिम क्षण पर जो आपके घर तक बिजली लाती है वो कंपनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक उसी प्रकार से जो बिजली का उत्पादन करती है उसे आप कहेंगे पावर जनरेशन कंपनी। जो ट्रांसमिशन करेंगे अर्थात खंभों में या लाइनें बिछाया करेंगी उसे आप कहेंगे ट्रांसमिशन कंपनीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर किस कंपनी की बात की जा रही है, डिस्कॉम्स की। तो यहाँ पर 90,000 करोड़ का कुछ व्यवस्था किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसी वीडियो पर समझेंगे, धैर्य बनाए रखिएगा। उसके बाद TDS और TCS रेट के माध्यम से 50,000 करोड़, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है डिमांड क्रिएट करने का, लोगों की आय बढ़ाते हुए। तो चलिए एक आर्टिकल का हम सहायता लेते हैं और उसके बाद इन सारे चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं। तो चलिए इस पूरे पार्ट वन को समझने के लिए इस आर्टिकल का उपयोग करते हैं, और इस आर्टिकल के हेडिंग पर अगर आप जाएं तो आर्टिकल आप देख रहे होंगे कि वित्त मंत्री ने मिनी बजट का पेश किया। खाखा मिनी बजट क्यों मिनी बजट कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो राशि है वो इतनी ज़्यादा है कि ये बजट के तुल्य चला जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो व्यवस्था की जा रही है वो बजट के अंतर्गत ही शामिल की जाएगी। आप ये मत समझिएगा कि 2020-21 का जो बजट है वो अलग चल रहा है और ये अलग चल रहा है, नहीं, दोनों वो जो बजट बनाया गया था 2020-21 वित्तीय वर्ष का उसी पर ही कुछ यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और उसे एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये 2,000,000 करोड़ को आप मिनी बजट के रूप में देख सकते हैं। फिर उसके बाद सब हेडिंग पर जवाब मिल जाएगा कि मिनी बजट क्यों। तो आप देख रहे होंगे 5.94 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन का ऐलान। आर्थिक पैकेज में किसे विशेष ध्यान दिया गया, तो MSME को, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों पर, NBFC, HFC, रियल इस्टेट को भी राहत दी गई। अब ये चीज़ समझने के बाद हम इसके डिटेलिंग पर जाएं कि ये सारी जो बात कही जा रही है इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 20,00,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, और हर दिन सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित घोषणाएं भी होंगी, ये हो चुकी हैं। फिर उसके बाद आप यहां पर देखें, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको हाईलाइट करनी है वो ये है कि COVID-19 के कारण लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा से सरकार पर तात्कालिक 60,000 करोड़ रुपए से कम का ही वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसमें स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह की दर घटाने की वजह से 50,000 करोड़ रुपए राजस्व के नुकसान, और MSME के लिए क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट में 4,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये है, ये जो आपने 5.94 लाख करोड़ रुपए का डिटेल देखा, जो इमेज मैंने अभी आपको दिखाया था, इस वीडियो के लिंक में भी ये सारी चीज़ें मैं डलवा दूंगा तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस 5.94 लाख करोड़ पर आप जो क्रेडिट गारंटी फंड वाला जो मामला है वो 4,000 करोड़, और साथ ही साथ एक जगह पर आपने देखा होगा TDS और TCS, और इसकी वजह से 50,000 करोड़। तो सिर्फ यही वो राशि है जो सरकार के जेब पर प्रभाव डालने वाली है। ये राशि सरकार की जेब से निकलेगी, अर्थात सरकार ये खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। और ये कौन सी राशि है, तो ये राशि सरकार को मिलती लेकिन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कुछ छूट दे दिया TDS और TCS के माध्यम से। अर्थात इस TDS और TDS के स्वरूप से समझेंगे ये क्या होता है TDS TCS। TDS और TDS एक प्रकार का आप टैक्स समझ लीजिए, ये टैक्स के एक रूप है जो सरकार तक पहुंचते लेकिन सरकार ने छूट दे दिया,
तो सरकार को ये 50,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे, अर्थात ये किसके पास रह जाएगा, तो ये लोगों के पास रह जाएगा उनकी आय बनकर। तो ये भी सरकार ये मानती है कि क्योंकि ये पैसे हमारी आय का हिस्सा बनती, लेकिन आय का हिस्सा नहीं है, तो ये भी हमारे खजाने पर, हमारे खाते पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सिर्फ यही दो राशि आप यहाँ पर 54,000 करोड़ रुपए, या फिर आप कह सकते हैं कि 60,000 करोड़ रुपए का जो प्रभाव है वो सरकार के खातों पर पड़ने वाला है, और रिमेनिंग जो यहाँ पर 6,00,000 करोड़ रुपए का जो ब्यौरा दिया जाएगा उसमें सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो कहानी होंगे, रिमेनिंग अमाउंट जितने भी होंगे, वो सारे अमाउंट का व्यवस्था कुछ इस प्रकार से किया गया है कि लिक्विडिटी पंप किया जाएगा, उधार की व्यवस्था की जाएगी, नियम में परिवर्तन किया जाएगा, बैंकों को बोला जाएगा कि आप उधार दीजिए, क्रेडिट की गारंटी दी जाएगी, मतलब ये सारे नियम चेंज करके कुछ यहां पर रिमेनिंग अमाउंट की व्यवस्था की जाएगी, सरकार की जेब से नहीं निकलने वाले। तो हर वह व्यक्ति जो ये सोच रहा था कि 20 लाख करोड़ से सरकार सबके जेब में पैसे डाल देगी अपने जेब से निकालकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये व्यवस्था और प्रबंधन की जा रही है। वापस से उस आर्टिकल पर पहुंचते हैं और आगे की कहानी भी समझते हैं। आगे अगर आप बढ़ें तो बाकी घोषणाएं तंत्र में तरलता बढ़ाने के उपाय से जुड़ी हैं, जिससे केंद्र पर कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, केंद्र पर कोई वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के अंत पर हम एक आर्टिकल भी पढ़ेंगे पी चिदंबरम जी ने जो कहा है इन सारे वित्तीय भार को लेकर, तो आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी राहत एमएसएमईज की दी गई है। इस क्षेत्र के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड का ऐलान किया गया है। ये कौन सा फंड है? तो वही जो मैंने आपको बताया, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी वाली। तो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से 3,00,000 करोड़ की यहाँ पर ऐलान की गई है, अर्थात उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत एमएसएमईज को बिना गारंटी के सुगमता से कर्ज मिलेगा, अर्थात गारंटी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गारंटी कौन देने वाली है? सरकार देने वाली है। तो कोलेट्रल फ्री लोन इसे कहा जा रहा है। कोलेट्रल अर्थात वो सिक्योरिटी जो जमा करना पड़ता है उधार लेते समय। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे आप एमएसएमईज के लिए। आगे इसके साथ ही दबाव वाली एमएसएमईज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कोष और फंड्स ऑफ फंड में 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। अब देखिए एमएसएमईज है, यहाँ तक हम एमएसएमईज की कहानी समझ लिए, इसे एक बार फिर से हम बोर्ड पर लेकर आते हैं। तो हमें क्या करना था? एमएसएमईज को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और ये प्रोडक्शन से फिर क्या होता है? जो हमारा सप्लाई चेन रुका हुआ है वो सप्लाई चेन ठीक होता। उसके लिए इसे क्या चाहिए? राशि चाहिए। तो अब ये राशि कैसे मिल पाएगी? राशि दो तरीके से मिल सकती है, या तो उधार के माध्यम से कि इनको उधार पर पैसे मिल जाएं, या तो इनके शेयर को जब कोई खरीद ले तब इनके शेयर खरीदे और शेयर खरीदने के बाद इन्हें पैसे मिले और फिर उसके बाद ये उत्पादन प्रारंभ कर पाएं। तो अब ये उधार का जो मामला है आपने कौन कौन सा देखा? तो आपने देखा 3,00,000 करोड़ रुपए का ये क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से, जिसमें आपने देखा कोलेट्रल फ्री लोन वर्किंग कैपिटल के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए। साथ ही जो दबाव ग्रस्त वाले जो लघु उद्योग हैं उसके लिए कितना? तो 20,000 करोड़। अब उसके बाद ये तो दो चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया उधार वाले क्षेत्र पर, और फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फ्यूजन किया जाएगा। इस शेयर को आप इक्विटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना शेयर होता है उसकी इक्विटी पर उसकी बराबरी का स्वामित्व भी उस व्यक्ति के पास हो जाता है, उस कंपनी का। तो 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन भी किया जाएगा, अर्थात ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी कि इन कंपनियों के शेयर्स को कोई खरीदे और उसके बाद इन्हें पैसे मिल जाए। तो ये हो गया, आप समझ सकते हैं कि ये सप्लाई इस प्रोडक्शन चेन को आगे बढ़ाने के लिए राशियों की व्यवस्था प्रबंधन किस प्रकार से की जा रही है एमएसएमईज के लिए। चलिए उस आर्टिकल पर आगे के पक्ष को हम समझते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर देख रहे होंगे कि वित्त मंत्री ने इस इकाइयों को राहत देते हुए 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा जारी नहीं करने का भी ऐलान किया है। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, हमें एमएसएमईज को बचाना है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर कब बनोगे? जब ये चाइना की कोई कंपनी को आप आने से रोकोगे। अब सरकार क्या करती है? सरकार ने मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने का निर्णय लिया, तो उसके लिए क्या करेगी? टेंडर मंगवाएगी। तो जब टेंडर मंगवाएगी तो बहुत
सारी कंपनियां चाइना की या फिर अन्य देशों की कंपनियां ये टेंडर भरने आ जाएंगी और जो हमारे जो उद्योग होंगे वो ये टेंडर का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो हमसे काफ़ी अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वो भी सस्ते दाम में मुहैया करा देते हैं। तो अगर आत्मनिर्भर बनना है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए का जो टेंडर है उसे बाहरी लोगों के लिए बंद कर देना चाहिए और इस टेंडर का लाभ सिर्फ हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए, हमारे घरेलू उत्पादकों को मिलना चाहिए, तब जाकर तो कहीं आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर सरकार ही डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का साथ नहीं देगी, सरकार ही इन्हें मौका नहीं देगी, सरकार ही ये 200 करोड़ रुपए तक के वस्तुओं की कमाई इनको नहीं देगी तो फिर ये किस तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो इसलिए इस 200 करोड़ रुपए के ग्लोबल टेंडर को अबॉलिश किया गया। आगे की कहानी हम पढ़ते हैं उस आर्टिकल पर जाकर। आगे यहां पर आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा, आज के उपायों में कर्मचारियों, नियोक्ताओं, कारोबार, खास तौर पर एमएसएमईस को उत्पादन शुरू करने पर जोर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला वाला जो मामला है वो क्या, उत्पादन शुरू करना, अर्थात सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। तो ये बात इसमें कही गई है। अब आय पर भी अगर हम पहुँचे, आय के बारे में क्या बात कही गई है, तो इनका ये कहना है कि कर के मोर्चे पर सीतारमन ने कहा कि करदाताओं के हाथों में ज़्यादा पैसे देने के प्रयास किए गए हैं, ज़्यादा पैसे देने के प्रयास किए गए हैं। इसी मकसद से गैर वेतन भोगियों के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह की दर 25% कम की गई है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए पाते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की बचत तो होगी। सीतारमन ने कर आकलन, आयकर रिटर्न और विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। तो चलिए इस पर हम अब बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो जब यहाँ पर हम पहुँचते हैं आय बढ़ाने को, तो यहाँ पर हमें दो शब्द दिखता है, TDS और TCS। TDS का अर्थ ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS का अर्थ है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो देखिए ये दोनों में समानता है। समानता क्या है कि ये सरकार की कर वसूली की एक तरीके के तौर पर देख सकते हैं कि एक मेथड है टैक्स कलेक्शन का। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो इसका क्या अर्थ है कि मान लीजिए कि मैंने कुछ पैसे बैंकों में जमा किए हैं जिसके एवज पर मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। तो अब ये 10,000 रुपये मेरे हिस्से पे आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएंगे, इसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट होकर आएगा। मान लीजिए कि 10% का TDS कटा, तो 10% का TDS कटा अर्थात आप 1,000 रुपये इसमें से हटा लीजिए और मेरे पास जो पैसे आने वाले हैं TDS काट कर वो 9,000 रुपये आने वाले हैं। तो अर्थात ये है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे और उसके बाद मैं टैक्स के रूप में पैसे चुकाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे आएंगे टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होकर। तो इसे आप समझ सकते हैं कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जो सोर्स है वहीं पर टैक्स ये डिडक्ट हो चुका है, अर्थात वो सोर्स जहां से इनकम हो रही है वहीं से डिडक्ट ये हो चुका है। सामान्य रूप से कर्मचारियों के जो मालिक होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, जहां से ये इनकम आ रही होती है वहीं पर ही ये सारी चीज़ काट दी जाती है। तो अब बात ये आता है कि क्या ये रिफंडेबल होता है, तो हाँ रिफंडेबल होता है। मान लीजिए कि अगर ये टोटल TDS 7,000 रुपये मेरा बनता है साल भर का और मेरी आय के हिसाब से मेरी टैक्स लायबिलिटी अर्थात मैं 5,000 रुपये ही टैक्स चुकाने के श्रेणी में आता हूँ, तो फिर क्या होगा कि 2,000 रुपये मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये रिफंडेबल भी होता है, पूरा का पूरा नहीं, कुछ राशि, अगर आप उस टैक्स लायबिलिटी पे करने वाली श्रेणी में नहीं आते तो। ठीक उसी प्रकार से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो ये क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर होता है, GST मत समझिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक वस्तुओं पर ये सारी चीज़ लगाई जाती है। अर्थात जब मैं किसी, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हूँ, विक्रेता हूँ, किसी वस्तु को जब मैंने यहाँ पर बेचा तो उस व्यक्ति से जो राशि मिली तो मैंने कुछ टैक्स वहाँ पर उससे कलेक्ट कर लिया और उसके बाद सरकार को मैंने पहुँचा दिया। तो ये होता है TDS TCS का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। डिटेल पर नहीं जाना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, हमें इसकी बाल की खाल तक नहीं जाना है। तो इसका जो आधार है या फिर ये जो
इसे समझना है वो सिर्फ इतना समझना है कि जब TDS और TCS पर छूट दिया जाएगा तो फिर उसके बाद लोगों के पास में 50,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। ये इस आर्टिकल पर कहा गया है, जिससे लोगों की आय बढ़ेगी और डिमांड मार्केट पर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये भी चीज़ यहाँ पर हम समझ चुके हैं। अब आगे की क्या कहानी है, तो आगे की कहानी के लिए इस साइड वाले भाग पर हम पहुँचते हैं और इस भाग पर सारी चीज़ जो दी गई है उसे फिर से एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इसका जो सब हेडिंग है आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, किसको मिला क्या। तो MSMEs को क्या क्या मिला, तो सबसे पहले बिना गारंटी के 3,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने देगी, ऐसा व्यवस्था किया गया है। दबाव वाले MSMEs को 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज की व्यवस्था। फिर उसके बाद MSMEs को 4 साल के लिए कर्ज और भुगतान में मिलेगी 1 साल की मोहलत। तो मैंने क्या बताया कि MSMEs को उत्पादन करने के लिए राशि चाहिए, तो उधार पर पैसे तो व्यवस्था आप करेंगे ही, साथ ही साथ जो पैसे इनका जब जो कर्ज लिए हैं ऑलरेडी, अगर उसकी तारीख ख़त्म हो चुकी है तो इस पर भी कुछ मोहलत दी जाएगी कि आप हड़बड़ाइए नहीं, आप कर्ज चुकाने पर ध्यान मत लगाइए, उस पैसे को आप उत्पादन पर लगाइए। साथ ही साथ शेयर को लेकर यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी डाली जाएगी। MSMEs की परिभाषा को बदला जाएगा, निवेश की सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है कि MSMEs की परिभाषा बदला जाएगा, अर्थ क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, सीमा का दायरा बढ़ेगा का तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSMEs। देखिए, पहले जो क्राइटेरिया हुआ करता था कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग किसे कहेंगे, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है और ये है वो क्राइटेरिया जो अलग अलग क्षेत्रों को डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस है या फिर विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित कोई इंडस्ट्री है और अगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,00,000 रुपये से कम है तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा, माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे है और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ रुपए से कम और 25,00,000 से ज़्यादा है तो फिर वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएगा। और मीडियम एंटरप्राइज कौन सा कहलाएगा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ रुपये से कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो वर्गीकरण आप देख रहे हैं वो पहले हुआ करता था, अब इस वर्गीकरण को बदल दिया गया है। तो इस पर आने से पहले इस सेवा क्षेत्र के क्लासिफिकेशन को भी हम देख लेते हैं। सर्विस सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट पर अगर देखें और 10,00,000 से कम है तो माइक्रो पर आएगा, स्मॉल के लिए 2 करोड़ से कम और फिर उसके बाद मीडियम में 5 करोड़ से कम। लेकिन जब रिवाइज किया गया तो रिवाइज करते समय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अलग अलग नहीं रखा गया, इसे क्लब कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ निवेश या इन्वेस्टमेंट को आधार लिया जा रहा था वर्गीकरण के लिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में टर्नओवर भी लिया जा रहा है। टर्नओवर का अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन पर हम पहुँचते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज अब कौन सा हो गया, ऐसी कंपनियाँ जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहले कि 25,00,000 तक का मामला हुआ करता था, अब यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का मामला हो चुका है निवेश पर। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जो कंपनियाँ होंगी जो सूक्ष्म उद्योग के श्रेणी में आ जाएंगी, और अगर वो सूक्ष्म उद्योग के श्रेणी पर अगर बहुत सारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ आ जाती हैं तो सरकार जो भी प्रावधान ला रही है, जो भी यहाँ पर छूट ला रही है, जो भी व्यवस्था कर रही है, उसका लाभ लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे अगर बहुत सारी कंपनियां इस श्रेणी पर आ जाती। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि 10 कंपनियां सूक्ष्म उद्योग के अंदर आती हैं इस डेफिनेशन के आधार पर, तो 10 कंपनियों को लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहां पर 100 कंपनियों को लाभ मिल सकता है क्योंकि अब उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बदल चुका है। स्मॉल इंटरप्राइज पे अगर आप देखें तो 10 करोड़ हो चुका है इन्वेस्टमेंट और ये 5 करोड़, अर्थात बहुत बड़ी कंपनी। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पहले मीडियम इंटरप्राइजेस हुआ करती थी अब वो क्या हो जाएंगी, अब वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएंगी। और फिर उसके बाद बहुत सारी
कंपनियां जो लाभ ले ही नहीं पाती थी अब वो ले पाएंगी, क्योंकि 20 करोड़ तक का मामला हो चुका है। पहले मीडियम 10 करोड़ से कम वाली इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां करती थी, अब 20 करोड़ वाली। तो बहुत सारी कंपनियां क्या होंगी, इस सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के श्रेणी में आ जाएंगी। इससे होगा क्या कि इनका दायरा बढ़ेगा, लाभ का दायरा बढ़ेगा, निवेश का दायरा बढ़ेगा, सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ये ज़्यादा प्रोत्साहित होकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का भी यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए, ये क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया। अब फिर से उस आर्टिकल पर हम पहुँचते हैं। तो ये लाइन समझने के बाद फिर इस पर भी हमने बात कर ली है कि 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी। सरकारी इकाइयों द्वारा 45 दिन के अंदर MSME का बकाया भुगतान करने का भरोसा दिया गया है। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर जिम्मेदारियाँ ले रही हैं ऐसे उद्योगों का। EPF में कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान का अगले 3 माह तक सरकार करेगी भुगतान। इस लाइन को अभी यहीं समझ लीजिए, इसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि EPF में कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान का सरकार भुगतान करेगी, इसका क्या अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, NBFC और HFC के लिए तो 30,000 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा, अर्थात कुछ कॉमर्शियल पेपर, ये वाणिज्यिक पत्र अर्थात कॉमर्शियल पेपर तो उधार लेने का एक कागज हो सकता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी सहायता से 30,000 करोड़ रुपए ये उधार ले सकते हैं। देखिए, NBFC, HFC और MFI ये वैसे उद्योग हैं जो हमारे अन्य उद्योगों को राशि या फिर लिक्विडिटी प्रदान करने का काम करती हैं, और अगर यही दिक्कत में रहेंगे तो फिर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, तो इनके पास भी राशि होनी चाहिए। NBFC को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना पार्शियल क्रेडिट स्कीम के तहत 45,000 करोड़ की बात यहां पर की गई है। चलिए, अब यहां पर आते हैं बिजली वितरण कंपनियों के लिए REC और PFC को 90,000 करोड़ रुपए की आपात नगदी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हम समझते हैं। देखिए, अभी आप ये देख रहे होंगे कि आप बिजली का जो कंजप्शन होता है, उस कंजप्शन पर जब आप नज़र डालें, उपभोग पर जब आप नज़र डालें, तो या तो इंडस्ट्रियल कंजप्शन हो रहा होगा या तो घरेलू या डोमेस्टिक कंजप्शन हो रहा होगा, और इन दोनों को बिजली कौन उपलब्ध करवाती है, तो इन दोनों को बिजली उपलब्ध कराती है डिस्कॉम या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कहां से बिजली लेकर आती हैं, तो वो कंपनियां जो बिजली का उत्पादन करती हैं अर्थात जनरेशन करती हैं। अब मामला को यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अब लॉकडाउन हो चुका था, लॉकडाउन हो जाने के कारण इंडस्ट्रियल यूज़ क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल यूज़ बिजली का कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक यूज़ बढ़ जाएगा। मतलब सब लोग जब घर में रहने लगेंगे तो जाहिर सी बात है घर में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ कम हो गया और डोमेस्टिक यूज़ क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे अब डिस्कॉम को क्या हुआ, तो ये हुआ कि नुकसान, क्योंकि जब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बिजली उपलब्ध करवाती है ये कंपनी, तो जो रेंट लेती है, जो किराया लेती है, जो शुल्क लेती है बिजली का, वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कम रहता है, लेकिन यहाँ से कमाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शुल्क होगा, जो किराया होगा, वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बिजली अब वहाँ पर जा रही है जहाँ से इनको कमाई नहीं होती, और अगर इनको कमाई नहीं होती तो इनको क्या लाभ होगा, क्या नहीं, तो इनको नुकसान होगा। और अगर इनको नुकसान हुआ तो क्या फिर ये इस जनरेशन कंपनी को पैसा दे पाएगी क्या, जिससे ये बिजली खरीद रही है, तो नहीं दे पाएगी। तो क्या करना होगा, तो इस डिस्कॉम कंपनी के इस नुकसान से इसको निकालना होगा, और ये नुकसान से कैसे निकाला जाएगा, तो PFC और REC क्या होता है, तो PFC अर्थात पावर फाइनेंसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक, और REC अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी NBFCs हैं जो पैसे मुहैया कराती हैं डिस्कॉम्स को। तो इन संस्थाओं को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ये कंपनियां क्या करेंगी, डिस्कॉम्स को सहायता पहुंचा पाएंगी, ताकि ये जो नुकसान में जा रही हैं उसे बचाया जा सके। तो ये है अर्थ उस 90,000 करोड़ रुपए का। अब अगर आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि रियल इस्टेट के लिए क्या किया गया,
तो केंद्र सरकार ने राज्यों को परियोजनाएं पूरी करने की समय सीमा संशोधित करने की सलाह दी है। अर्थात ये कहा है कि जो समय सीमा थी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर परियोजनाएं प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, तो उसे संशोधित करो, समय सीमा थोड़ा और बढ़ाओ ताकि वो दिक्कत में ना जाएं और घर बना सकें, रियल इस्टेट बन सकें और लोगों को आवास मिल सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे एक आर्टिकल पर कि ये क्या चीज़ें हैं कि 12-12% से हटाकर 10-10% कर दिया गया है किसे, APF के अंशदान को। तो थोड़ा सा ही बस और आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये पहला फिस्कल स्टिमुलस पैकेज भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस आर्टिकल पर हम EPF के लिए जो योजना सरकार लाई है उस पर हम बात करते हैं। तो इस आर्टिकल पढ़ने से पहले इसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं बिल्ड कर दूं, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए EPF अर्थात एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्मचारी और ये प्रोविडेंट अर्थात भविष्य और ये फंड अर्थात निधि। देखिए स्मार्ट बोर्ड पर लिखने की जो स्पीड है और वाइट बोर्ड पर लिखने की स्पीड दोनों मैच नहीं हो पाती, इस कारण से कुछ इस प्रकार से राइटिंग बन रही होगी। जैसे जैसे फ्लुएंसी स्मार्ट बोर्ड पर बढ़ेगी ये भी सुंदर हो जाएगा, अपेक्षा है ऐसी। चलिए APF क्या है, तो देखिए कि जब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के बीच का कुछ यहाँ पर मामला बनने वाला है, अर्थात जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है। तो नियोक्ता अर्थात वो व्यक्ति जो नौकरी देता है और कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि अपनी आय का 12% हिस्सा ये कर्मचारी और उसकी जो सैलरी है उसका 12% हिस्सा नियोक्ता, दोनों मिलाकर 24% की जो राशि होगी वो EPF में जमा होगी। और ये 24% राशि जब जमा होते रहेगी तो फिर ये राशि का क्या होगा, तो ये राशि फिर आगे चलकर इस कर्मचारी को मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, इसके भविष्य के लिए, इसके भविष्य की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए। अर्थात एक प्रकार का सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप इसे समझ सकते हैं, जो भविष्य में काम आएगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि अगर ये 12% नियोक्ता ना जमा करे EPF में और कर्मचारी भी ये जमा ना करें, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 12% अब कर्मचारी के पास ही रह जाएगा और ये 12% भी नियोक्ता के पास में रह जाएगा। अर्थात कर्मचारी के पास भी और नियोक्ता के पास में भी दोनों के पास में राशि आ गई है, तो कर्मचारी के पास में जब पैसे ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, बाज़ार जाएगा, TV खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, और इस नियोक्ता के पास जब राशि ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, TV बनाएगा और बाइक बनाएगा, अर्थात उत्पादन करेगा, सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो ये चीज़ जब आपने समझ ली तो अब हम आते हैं कि उस आर्टिकल पर क्या कहा गया है। इस आर्टिकल पर अगर आप देखें तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कंपनियों का अंशदान अगले 3 महीने के लिए वेतन के 24% से घटाकर 20% करने की घोषणा की है। अर्थात 12-12% नहीं जमा करना है, कितना करना है, 10-10%। तो 24 से वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20%, अर्थात 4% की राशि जो PF पर EPF पर जाती वो नहीं जाएगी, 2% कर्मचारी का बच जाएगा, 2% नियोक्ता का बन जाएगा। लेकिन इसके आगे की जो जानकारी है वो कुछ और भी दी गई है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर लाई गई थी। गरीब कल्याण योजना जो 1,70,000 करोड़ रुपये की योजना थी इसी कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने की, उसमें इस EPF को लेकर क्या कहा गया था उस पर भी हम नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। तो इस योजना में ये कहा गया था कि कंपनियों के EPF अंशदान में सब्सिडी के लाभ की अवधि भी जून अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। देखिए इसके आगे पढ़ते हैं कि इस योजना में क्या किया गया था, फिर क्या छूट दिया गया है वो देखेंगे। सरकार ने घोषणा की थी इस योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, कि जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और 90% कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये महीने से कम है, उनके मार्च से मई 2020 तक के
पूरे ईपीएफ अंशदान का वित्त पोषण सरकार करेगी। इसका मकसद छोटी फर्मों को लाभ पहुंचाना था। तो जाहिर सी बात है कि 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों का वेतन 15,000 से कम है, तो ये छोटे उद्योग होंगे, छोटे फर्म होंगे और इन कर्मचारियों का जो वित्त पोषण किया जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें आप इसका जो नहीं कहा गया है उस पर नजर डालिए। देखिए ईपीएफ की जो कहानी है, ईपीएफ सामान्य तौर पर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि 24% ईपीएफ जाता है जिसमें 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारी भुगतान करते हैं। यह 15,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। अब इसका क्या अर्थ है कि 15,000 तक की सैलरी होगी तो फिर अनिवार्य है, उससे कम होगी तो देखिए अब यहाँ पर आप इसको समझिए कि 15,000 रुपये कमाने वाले जो कर्मचारी होंगे अगर उनकी संख्या 90% है तो उन उद्योगों के लिए ये योजना लाया गया था जिसका ईपीएफ पूरा का पूरा गवर्नमेंट देगी। अर्थात बहुत ही कम लोगों को कवर किया जा रहा है क्योंकि 90% तो 15,000 से कम कमा रहे हैं, तो बहुत ही कम अर्थात 10% लोग यहाँ पर बच जा रहे हैं जो इसका लाभ ले पाएंगे। तो क्या बात कही जाती है इसीलिए कि ये जो सब्सिडी दिया गया या फिर ये जो छूट दी गई कि पूरी की पूरी ईपीएफ की जो भागीदारी है वो सरकार की तरफ से जाएगी, ये बहुत ही छोटा लाभ है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही कम लोगों को ये लाभ मिलेगा। और इसे भी फिर सरकार ने क्या किया कि मार्च से मई तक के लिए इसे डिसाइड किया गया था 2020 के लिए और फिर उसके बाद इसे बढ़ाकर जून अगस्त कर दिया गया है। तो बाकियों के लिए 10-10% है सिर्फ इस गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनका सरकार पूरा वित्त पोषण करेगी और फिर उसके बाद इस वित्त पोषण की अवधि को 2 महीने बढ़ा दिया गया है और बाकी क्षेत्रों के लिए ये 12-12% से कम करके 10-10% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझिए। अब इस आर्टिकल पर आगे की कहानी अगर आप देखें तो पाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अगले 3 महीने के दौरान 6,750 करोड़ रुपए नगदी मिलेगी। अर्थात इसका मतलब यह है सरकार नहीं देगी, इसका अर्थ यह है कि जो पैसे ये क्या करते थे जमा कर देते थे वो पैसे अब इनके पास नकदी के रूप में रह जाएंगे और इससे करीब 6,50,000 प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। सरकार ने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे और नियोक्ताओं को भी भविष्य निधि बकाए में भुगतान में राहत मिलेगी। तो अगर ले जाने के लिए पैसे ज़्यादा मिलेंगे लोगों को अर्थात डिमांड क्रिएट करेंगे और जो नियोक्ता हैं वो क्या करेंगे उत्पादन करेंगे। आगे की कहानी समझते हैं। अब इस योजना के लिए किन लोगों ने क्या कहा तो उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने कहा कि सरकार को ईपीएफ में अंशदान 31 मार्च 2021 तक के लिए कम करना चाहिए था। तो इनका ये कहना है कि जो ईपीएफ में जो ये अंशदान की कटौती की गई है ये बस 3 महीने के लिए नहीं पूरा मार्च 2021 तक के लिए कम करना चाहिए था, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता और इसका असर सरकार के राजकोष पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा, तो आपको ये कर देना चाहिए था, मात्र 3 महीने के लिए करके क्या ही कर लिया आपने, ऐसा इनका कहना, इनके भाव हैं ऐसे, ऐसा इनके शब्द पर भले ना दिखे। उद्योग के एक अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर, अच्छा नाम नहीं गया क्योंकि उनकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी। यह निराशाजनक है कि सरकार ने ज़्यादा उद्योगों को PMGKY के तहत सब्सिडी का लाभ नहीं दिया है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि किन उद्योगों को मिलेगा ये, तो वहाँ पर जहाँ पर 100 कर्मचारी 90% कर्मचारी जो होंगे वो क्या होंगे 15,000 से कम सैलरी होगी, तो ज़्यादा लाभ मिला क्या लोगों को, तो ज़्यादा कवर नहीं हुआ। ईपीएफ अंशदान में 4% की कमी किए जाने से ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तो 20% मतलब जो इस PMJY के अंतर्गत नहीं आते उनके लिए जो किया गया 4%, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस 4% कम कर देने से कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा, मतलब और इसे कम करना चाहिए था। तो इस प्रकार से इस ईपीएफ वाले कहानी से हमने ये समझ लिया कि लोगों की आय या लोगों के पास में बचत बढ़ाकर मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे और उसके बाद अर्थव्यवस्था पर उत्पादन क्रिएट करवाएंगे और इकोनॉमी फिर से बढ़िया कर देंगे। तो चलिए अब हम आगे की आर्टिकल पर नज़र डालते हैं।
तो चलिए इस पूरे स्टिमुलस पार्ट वन को विपक्ष के टिप्पणी के साथ में समाप्त करते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है इस मामले में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अलग नज़रिया आपको देखने को मिलेगा, तो समझना भी ज़रूरी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को कहा कि केंद्र का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज बेबस प्रवासी कामगारों और गरीबों को राहत देने में विफल है और यहां तक कि राज्य सरकारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पैकेज से मांग और खपत बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी। तो देखिए, इस पूरे वीडियो का जो हमने आधार लिया था वो क्या था कि इकोनॉमिक पैकेज कैसा होना चाहिए जहाँ पर मांग बढ़े और खपत बढ़े, अर्थात कंजप्शन बढ़े, सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन पी चिदम्बरम जी का ये कहना है कि ये दोनों ही चीज़ करने में विफल रहेगा, ना तो मांग बढ़ेगा, ना खपत बढ़ेगा और ना तो ही आपूर्ति या सप्लाई बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया कि समय की मांग है कि लोगों, खास तौर पर सबसे गरीब 13 करोड़ लोगों के जेब में पैसे जाएं, लेकिन इस पैकेज में उनके लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए पैकेज में कुछ भी नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि उनकी उदार गणना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का वादा किया था उसमें से 3.6 लाख करोड़ रुपए की राशि ही है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई वो सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार डालने वाला है वो मात्र 3.6 लाख करोड़ का होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसकी जो व्यवस्था है वो अन्य संस्थाओं के माध्यम से की जाएगी, जैसे कि बैंक। आप ये सारे स्कीम आप देख भी रहे होंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के लिए क्रेडिट गारंटी देना, 3 लाख करोड़ रुपए उधार की व्यवस्था करना, नियम बनाना, जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं उनको 20,000 करोड़ की राशि की उपलब्धता कराना, पीएफसी और आरईसी जैसे जो एनबीएफसी हैं पावर जनरेशन, वो क्या करेंगे, पावर कंपनीज को बचाएंगे, ईपीएफ और उसके रेट्स कम करना। तो ये सारी चीज़ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार के ऊपर वित्तीय भार पड़ रहा है क्या? तो मुख्य रूप से इन सारी चीज़ों का तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ पड़ रहा है। तो वो कुछ क्या है, तो वही यहाँ पर बताया गया कि मात्र 3.6 लाख करोड़ रुपए आप देख सकते हैं कि सरकार के ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा। साथ ही साथ आगे बढ़े तो उन्होंने ये कहा कि बाकी के 16.4 लाख करोड़ रुपए कहाँ हैं, तो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला आप एकदम निष्पक्ष होकर भी ना देखेंगे, थोड़ी सी राजनीति की भी झलक यहाँ पर होगी जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, चाहे वो पक्ष से हो चाहे वो विपक्ष से हो। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस पूरे पैकेज को इन्होंने छलावा कहा, शून्य कहा, और साथ ही साथ कहा कि ये इस प्रकार की योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लाई जा सकती। देखिए, आगे बहुत ही ज़्यादा जो आलोचना की गई इसकी, वो आलोचना का पॉइंट क्या था, तो आलोचना का पॉइंट ये था कि लोगों का या अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि मार्केट में डिमांड क्रिएट करना होगा तो लोगों के पास में पैसे आने चाहिए, उनके पास में फंड आने चाहिए। फंड कैसे आने चाहिए, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं कि सब्सिडी के माध्यम से उनको पैसे दिए जाएं, या फिर जन धन आधार मोबाइल के माध्यम से उनके खाते पर पैसे डाले जाएं, या फिर कोई योजना लाई जाए जिससे उनके जेब में पैसे आए। तो इस पूरी ही चीज़ पर लेकिन क्या होता कि जो बर्डन होता, जो उधार होता, वो सरकार के खाते पर आकर चढ़ता। तो इस तरीके का अगर व्यवस्था की जाती, लोगों के पास में फंड आते, ये डिमांड क्रिएट होता, डिमांड क्रिएट करने से उपभोग या खपत उत्पन्न होता, इस खपत को देखने के साथ साथ लोग निवेश करने पहुंचते क्योंकि अब उनको लाभ कमाना है, और ऑटोमेटिकली क्या होता, सप्लाई हो जाता, प्रोडक्शन हो जाता और इकोनॉमी चल जाती। लेकिन ये चीज़ नहीं की गई और यही कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये विफल हो जाएगा 20 लाख करोड़ का पैकेज। बट देखते हैं कि कभी भी अल्पकालिक या फिर बहुत ही त्वरित अनुमान लगाना नहीं चाहिए, खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर एक समय देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ी होती है, ना जाने कब कौन सी कड़ी किस तरीके का रूप बदले और किस प्रकार का प्रभाव हमको देखने को मिल जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस डिमांड क्रिएट ना होने के कारण, क्योंकि ये तरीका नहीं अपनाया गया,
तो जैसे ही ये पैकेज या घोषणा लाई गई थी तो जो हमारा शेयर बाजार है वो अचानक से बूम करने लगा था, उठने लगा था, क्योंकि निवेशक आने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि लोगों के पास में पैसे बांटे जाएंगे जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। लेकिन जैसे ही दिखा कि लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, अन्य तरीकों से यहाँ पर इकोनॉमी को रास्ते पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद मार्केट पुनः क्या होने लगा, गिरने लगा। तो चलिए इसके साथ ही इस वाले भाग को हम समाप्त करते हैं, जो कि दूसरा भाग था इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ का, और उसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो फिस्कल स्टिमुलस पार्ट 2 होगा, जो भाग 3 होगा इस सीरीज का। उम्मीद है ये वीडियो आपको लाभ जरूर दिया होगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।